सब्सक्राइब करने के लिए मेरी कोई भी वीडियो के नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साइड में लगी गई बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिए फास्टर अपडेट के लिए। बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, ये कैश्यू नट है यानी कि काजू, पिस्ताशियो यानी कि पिस्ता और ये आमंड यानी कि बादाम है। इन सारी चीज़ों को मैंने पूरी रात भिगो कर रखा है और ये आमंड का मैंने छिलका निकाल दिया है। और चाहिए यहाँ पर केसर यानी कि सैफरन जिनको मैंने गुलाब की पानी में भिगो कर रखा है, यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच गुलाब का पानी इस्तेमाल किया है। और चाहिए थोड़ी सी दूध, ये फुल फैट मिल्क है, ये इन सारी चीज़ों को पीसने में हमें काम आएगी। और चाहिए शुगर, यहाँ पर मैंने 5 टीस्पून शुगर ले लिया है। तो पहले इन सारे चीज़ों को इकट्ठा पीस लेते हैं और ध्यान रखना है कि ये ड्राई फ्रूट जो है वो एकदम से पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी दरदरा होनी चाहिए। तो इस मिक्सिंग जार में सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेते हैं। केसर में भिगोए हुए, दूध, चीनी, अब इनको दरदरा पीस लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है ये देखिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर हाफ एंड हाफ और फ्रेश क्रीम मैंने साथ में ले लिया है 250 ml। हाफ एंड हाफ यहाँ पर है 150 ml और 100 ml हमने लिया है फ्रेश क्रीम। और साथ में चाहिए एक कटोरी दूध, यहाँ पर 150 ml दूध है, इसे मैं मिला देती हूँ इसके साथ। और इसी के साथ हमें चाहिए यहाँ पर इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, ये ग्रीन इलायची के पाउडर है। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा बीट कर लेते हैं। तो ये देखिए वॉल्यूम में काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब इसमें मिला देते हैं ड्राई फ्रूट की मिक्सचर को। और इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। तो ये फेंक चुके हैं, अभी फ्रीजर में जाने के लिए रेडी है। तो पहले इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। इस तरह का कंटेनर है मेरे पास जिसमें मैं इस आइसक्रीम मिक्सचर को डाल देती हूँ। देते हैं थोड़ी सी आमंड के टुकड़े के साथ और थोड़ी सी पिस्ते के टुकड़े के साथ। इसे 6 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक कि ना ये पूरी तरह से सेट हो जाए तब तक भी आप इसका रेफ्रिजरेटर में इसे रख सकते हैं। और इसके ऊपर ऐसे क्लिंग रैप लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर आइस ना जमे। आइसक्रीम पूरी तरह से सेट हो चुकी है, इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।